हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके दिन भी अच्छे ही कट रहे होंगे। और आज ये एक्चुअली यार सैटरडे है और संडे को मेरी ट्रेन है, ठीक है। एंड अभी तक सारी पैकिंग मैंने करी नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी भी था और मेरा कुछ करने का मन नहीं था। कपड़े वगैरह रख लिए, कुछ चीज़ें और निकालनी है, कुछ मार्केट से भी लानी है। सो यही सारी चीज़ें अभी चल रही है। एंड शायद आज मैं अपने नानी घर भी जाऊँ, वहाँ से भी लोगों से मिल लूँ एंड भाई बहन से भी सोचा हूँ मिल के आ जाता हूँ। सो देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। सो गाइज, अभी बज रहे दिन के 12:30 और मैं अभी अपने रूम में था, थोड़ी बहुत चीज़ें सही से रख रहा था। और अभी फटाफट से मैं शावर लेता हूँ। शावर लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ अपने भाई से मिलाते हैं, क्योंकि जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ मिल लूँ, बहुत दिन हो गया ना उससे गए हुए। सो शायद से मैं अभी निकलूँ उससे मिलने के लिए। तो चलो देखते क्या होता है, पहले फटाफट से मैं शावर लेता हूँ। सो फाइनली मैं तो अभी घर से निकल गया। एक्चुअली पिंटू भैया मुझे आगे मिलेंगे और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सिलाव। एंड अभी तो फिलहाल गाड़ी में मैं अकेले हूँ, बहुत दिनों बाद मैं गाड़ी अकेले लेके निकला हूँ एक्चुअली। चलो हाँ बंद हो जाएगा। सो गाइज, अभी हम पहुँच गए पंचायवे नदी और मैं दिखाता हूँ कितना पानी आया हुआ। सामने नदी दिख रही होगी आपको, इतना सारा भीड़ भी देख सकता है भाई। नदी में तो पूरा बाढ़ आया हुआ है यार एक्चुअली। सो ये जो नदी दिख रहा है पंचानवे नदी, भाई देखो पानी कितना ऊपर आ गया एक्चुअली। मतलब मैं कह सकता हूँ ये ऐसे बारिश होता रहा ना तो 2 दिनों में रोड पे पानी आ जाएगा बिल्कुल। और भीड़ देख लो भैया मछली मारने वालों की, जो मछली पकड़ने आते हैं एक्चुअली। देखो ये इतनी तेज यहाँ पे ना धार निकल रही है, देखो धार भी दिखाता हूँ मैं एक्चुअली। यार देखो ये एक पुल है, देखो पूल से तो ऑलरेडी मतलब जहाँ रोड है ना ये रोड खत्म होती है एक्चुअली, वहां से देखो पानी ऑलरेडी आ रही है। और यहाँ से देखो पानी कैसे निकल रहा है। ओह माय गॉड, गॉड व्हाट इज हैपनिंग गॉड। भैया देखो नेचर डिजास्टर है, ये रोड है और ये देखो पानी की पूरी पूरी चांसेस है। मैं फोन बहुत ही तेजी से पकड़ रखा हूँ एक्चुअली, वहां पे आपको मैं। सो अभी अपना काम तो हो गया, हमने नदी देख लिया, पानी बहुत ही तेज है, मेरे पीछे दिख रहा होगा। कोई फोन ना छीन के ले रहा भैया, खत्म हो जाएगा हमारा सारा काम। तो भाई मज़ा आ रहा है, अभी बारिश दोबारा आ गई इसलिए मैंने गाड़ी लेके आया था, मेरे को पता था बारिश आएगी इसलिए गाड़ी से आया। मस्त भैया मत हो गया। सो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ भाई साहब, कुछ दूर और आ गया 1.5 से 2 किलोमीटर। और भाई मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, क्या ही बताएं हम, मतलब बारिश कार सब कुछ अपने साथ है, फटाफट से चलते हैं। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ चॉकलेट वॉकलेट खरीदने के लिए, कुछ लेके गया था सो चॉकलेट वगैरह खरीद लेते हैं। एक्चुअली उधर जाम बहुत रहता ना तो मैं कुछ ले नहीं पाया था। और पास में ही कुछ दूर पर मेरा स्कूल है तो चलो स्कूल भी दिखाता हूँ। वैसे ये जो बिल्डिंग दिख रही है यही मेरी स्कूल है एक्चुअली, मैं यही पढ़ता था। ये रहा मेन डोर अपने स्कूल का। सो ये पूरा का पूरा स्कूल का बिल्डिंग ही है। अभी अपन पहुंच गए राजगीर रोड और ये देखो रोड इतना खत्म है ना, अभी तक रोड बना नहीं एक्चुअली। 4 साल से ही रोड बन रहा है, 4 साल से गिन के, और अभी भी रोड का इतना हालत ख़राब है भाई साहब, गाड़ी जा ही नहीं सकती आराम से। कितना भी कोशिश कर लो यार हो ही नहीं सकता, कभी पहुंच ही नहीं सकते ना टाइम से। और ना ही इतने कीचड़ है, गाड़ी गंदा तो होगा ही होगा, और आप आराम से जा भी नहीं सकते यार, अच्छी भाई भी सी नहीं आती है एक्चुअली।
रोड देख के भी मन खराब हो जाता है, बिल्कुल किड़किड़ा हो जाता है। चलो जो भी है ठीक है, फटाफट से मैं पहुंचता हूँ। भाई घोड़ा कितना प्यारा, भाइट भाइट उजली उजली घोड़ी। फिलहाल अभी मैं तो पहुंच गया, गाड़ी पीछे पार्क कर दिया, काफी दूर है एक्चुअली। यार यहाँ पे दुकान है ना, दुकान वाले लगा नहीं देते। चलो जो भी है ठीक है, 1 घंटा तो रहना, मैं मिल के आता फटाफट से। पीपी चाबी है, कहाँ जाएगा बाबू? चाबी बाबू, चाबी कहाँ? चाबी एक ही चाबी दे रहे, दे दो उसको, दे दो बाबू चाबी, दे दो बाबू, दे दो दे दो दे दो दे दो सर, दे दो बाबू चाबी दे दो। ए चले संध्या, चले कि नहीं? हाँ तो इसको इसको नहीं ले जाए बाबू, नहीं ले जाए हाँ, मामा पास रहेगा ना। दीदी पास कौन जाएगा? तुम दीदी पास जाएगी। बाबा कहाँ रहेगा? मम्मा पास। चाबी ले लो बाबा से। देखो देखो देखो, क्या खाएगा? क्या खाएगा? इधर है ऐसा, देखो 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 बाबू ले लो। अरे नहीं कूड़ा दो, भैया के, भैया कौन थे? भैया के भैया, कैसे करे था, कैसे फिर से बोले थे, फिर से हेलो 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 बोले, हाउ आर यू, कैसे बोलते, हाउ आर यू, हाउ आर यू, लव यू। एक है सर, कौन कौन इसमें, कौन कौन है? बाबू, तुम कौन है, तुम कौन है, तुम तुम है? बाबू कहाँ है? बाबू बाबू कहाँ है? बाबू इसमें बाबू कहाँ है? देखो तो ये बाबू है, वहाँ में कहाँ है? अरे भैया कौन है भैया, तू है, तुम कहाँ थे? हिम्मत कर ली, कम बड़ी बात थोड़ी है, अलग बात। कौन कौन चलाएगा घर, कौन कौन चलेगा घर? तुम जाएगी, किससे मिलेगी? बीएड भी करेगी। मम्मी आओ, बात हुआ, भैया आओ, पापा जाओ, पापा कहाँ गए? पापा उन्हें काटी ना है। मम्मी कहाँ गए? मम्मी मम्मी जाओ सर, तुमको नहीं लेके जाएंगे, टाटा। अभी जा रहे हम लोग घूमने के लिए, मैं बाबू सब, पता नहीं गाड़ी पार्क किया था पुलिस वाले ले गए क्या? ओ भाई गाड़ी पुलिस वाले ले गए, मारा टोचन करके ले गए। कहाँ है गाड़ी? ये गाड़ी है चाबी ना है सर, ना है चाबी, ना है चाबी सर। ना है चाबी सर, चाबी ना है, चाबी ना है, ए चाबी, ए चाबी, निकल गया निकल गया, नहीं निकलेगा। अरे चाय मिल गया संध्या, क्या बस
कहाँ जाएगा? देखो भाई हमको तो बड़ा बुरा लग रहा है भाई, हमारे भाई बहन दोनों के दोनों रो रहे हैं यार, बट क्या करे, जाना तो मेरे को पड़ेगा ही। चलो फिलहाल अभी निकलते यार। फाइनली भैया हम तो निकल गए हैं यार वहाँ से, लेकिन हमें खामोखा बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। एक्चुअली पुलिस वाले सामने खड़े हैं, पकड़ लेना बस। भाई मुझे तो बुरा लगा, अभी यहाँ से गाँव जाने वाले शायद से, भैया का कहना है कि चलो सकरौल, तो सकरौल चलते हैं। मैं गांव वाला रास्ता भी दिखाता हूँ, अपना टूटा फूटा घर। तो यहाँ पे देखो पुल पे कितना भीड़ है। एक्चुअली यहाँ पे पानी आ गया रोड पे, सुबह मैं जब जा रहा था। सुबह के तब पूछ लेता भैया अभी धार में है। तो ये देखो मेरे गांव का व्यू है। ये अभी मैं पिंटू भैया के घर में खड़ा हूँ, इनके घर में अभी काम धंधा चल रहा है। एक्चुअली सारा सामान जैसे तैसे बिखरा पड़ा है, वायरिंग का काम चल रहा है एक्चुअली इनके घर में। और यहाँ से मेरा गांव कुछ ऐसा दिखता भैया, ये मेरा गांव है, सकरौल नाम है मेरे गाँव का। और चलो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ। अभी फटाफट से कार पार्क कर दी और चलता हूँ मैं अभी दुकान पापा से मिल के आते हैं। तो फाइनली गाइज मैं अभी अपने घर में हूँ, अपने रूम में हूँ। मैं अभी दुकान पे था और वहाँ से आ गया एक्चुअली, क्योंकि पापा आ गए थे। देखो भैया अभी बज रहा है रात के 8 और मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को एडिट करके मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे अभी कभी एडिट कर दूँ और अभी इसे अपलोड कर दूँ, क्योंकि कल है संडे, कल मेरी ट्रेन है और मेरे को बिल्कुल टाइम मिलेगा। क्योंकि देखो ये बैग वगैरह जो रखे हुए हैं रूम अभी भी जैसे को तैसा है, मतलब मैंने अभी तक पैकिंग सैकिंग कुछ नहीं किया, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं आई विल मिस माई ब्रदर एंड सिस्टर मच, मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा। बट जो भी है ठीक है, अब जाना तो है, सो जाएंगे। जब मैं आ रहा था मेरे भाई बहन भाई साहब बहुत ही रोने लगे, बट मैं उसे ले कर नहीं आ सकता था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तब जा ही रहा हूँ, वो मेरे जाने के बाद शायद से आ जाएंगे इट में भी। एंड मुझे मिलकर उनसे काफ़ी अच्छा लगा, हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं जितनी चीज़ें रिकॉर्ड की वहाँ पे मैंने किया, मैं सब कुछ बिना अनकट, मतलब कट एक भी जगह पे मैं नहीं लगाऊंगा और मैं डाल दूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं कब मिलूँगा मुझे खुद ही नहीं पता, सो चिल एंड प्लीज़ सपोर्ट में रहना भैया।